सो हाई फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट। मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मेन एजेंडा ये है कि अगर आप रिएक्ट के साथ काम करते हैं, यानी रिएक्ट जेएस में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपको किसी भी समय अपने रिएक्ट के वर्जन को जानने की ज़रूरत पड़ती है, बी इट एनी रीज़न कि आप अपने रिएक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं या डाउनग्रेड करना चाहते हैं, रिलेटेड टू सम फ्रेमवर्क, आप कुछ फ्रेमवर्क डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसके चलते आपको पता करना है कि एक्जैक्टली आपका रिएक्ट वर्जन कैसा है। तो दोस्तों, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि जैसे मैं एक टर्मिनल में आपको बता दूं कि अगर आप npm के वर्जन को आपने देखना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली एक कमांड है npm hyphen hyphen वर्जन। आप इसे एंटर करेंगे तो ये आपके npm के वर्जन को, जैसे मेरे दिखा रहा है npm 6.14.8, ठीक है। तो ये मेरे वर्जन npm के वर्जन को दिखा दे रहा है, लेकिन रिएक्ट के साथ क्या कुछ ऐसा है, चलिए हम टाइप के देखते हैं रिएक्ट hyphen hyphen वर्जन। इसके साथ ये बताता है रिएक्ट कमांड नॉट फाउंड। तो यहाँ पे ऐसा हमें कोई कमांड मिलता नहीं है, तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि हम रिएक्ट के किस वर्जन को यूज़ करें। तो बेसिकली मैं आपको इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही आसान है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक रिएक्ट ऐप बनाना है, बेसिकली एक जनरल सा सबसे पहला जो आप रिएक्ट ऐप बनाते हैं वैसे ही। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपली अपना npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम और उसके बाद npm स्टार्ट किया है, जिसके कारण मेरा लोकल होस्ट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली मेरा रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो चुका है। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ आपका, इसलिए मैंने पहले से ये तैयार करके रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये आपका app.js है। app.js में जो हेडर फंक्शन, हेडर पार्ट है जिसमें आपका सब लोगो को रेंडर हो रहा है, इस हेडर पार्ट को मैं हटा देता हूँ ताकि ये क्लीन दिखे। अभी आप देख सकते हैं कि आपका ऐप कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी आपको सेकेंड क्या करना है, एक सेकेंड कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे home.js बना के रखा है। आपको कोई भी नाम दे दीजिए उस कंपोनेंट का, home.js मैंने नाम दिया। उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप ध्यान से कोड देख लीजिए मैंने कोड क्या लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट किया है, उसके बाद मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ किया है, फंक्शनल कंपोनेंट का मैंने नाम होम दिया है, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम किया है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने console.log react.version, हमने यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट किया था इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं react.version, और रिटर्न के अंदर मैं सिंपली एक मार्क्यू के साथ वेलकम टू सादिक अख्तर यूट्यूब पेज कर दे रहा हूँ। और आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने app.js में इसे इम्पोर्ट करना बिल्कुल ही ना भूलें, इम्पोर्ट होम फ्रॉम, पहले मैंने इसे इम्पोर्ट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे रेंडर करा देता हूँ। तो चलिए अपना ऐप के अंदर चलते हैं, तो हम देख सकते हैं ऐप के अंदर हमारा होम पेज से ये मार्क्यू आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा रिएक्ट वर्जन भी आता होगा। तो चलिए हम खोल लेते हैं अपना डेवलपर्स टूल और यहाँ पे हम कंसोल में जाएंगे। कंसोल में हम जाते हैं तो देखिए हमारा रिएक्ट वर्जन दिख गया है कि 17.0.2 है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पक्का हमें यही तो दिखा रहा है ना। तो चलिए, माय रिएक्ट वर्जन इज, तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए ये बता दे रहा है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये बोल रहा है माई रिएक्ट वर्जन इज 17.0.2। सो फ्रेंड्स, कितना ही आसान था अपना रिएक्ट वर्जन देखना। तो इस मेथड से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने रिएक्ट वर्जन को देख सकते हैं। सिंपली आपको एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना था, उसके अंदर एक कंपोनेंट आपको क्रिएट करना था, और आप कंपोनेंट नहीं भी क्रिएट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे भी इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते हैं और इस जो फंक्शनल कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर भी आप console.log react.version करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं आपको ये भी करके एक बार दिखाई देता हूँ। चलिए मैं अपने home.js जो है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इस कंपोनेंट को मूव टू रिसाइकल बिन, जल्दी फटाफट हो जाओ। और यहाँ पे मैं रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैं होम कंपोनेंट क्योंकि अब हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एजेंडा समझ में आ रहा है, हम अपने app.js कंपोनेंट के अंदर ही अब हम रिएक्ट के वर्जन को देखना चाहते हैं बिना कोई कंपोनेंट क्रिएट किए हुए। तब यहाँ हम सिंपली रिटर्न से पहले, क्योंकि रिटर्न के बाद आप console.log नहीं कर सकते, तो console.log हम यहाँ पे अपने react.version को देखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ div में ऐसे ही बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 के अंदर सादिक अख्तर, ठीक है। चलिए सब कुछ बेसिकली सही लग रहा है मुझे, और हम इसके अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं सादिक अख्तर आ चुका है। रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे भी हमारा रिएक्ट का वर्जन शो हो गया। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं था, इंपोर्ट करना था रिएक्ट कंसोल.log react.version, इसे आप अपने रिएक्ट के वर्जन को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कभी भी या कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट